ओम अज्ञान निमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों को स्वागतम। ये विप्लव नाम के भव्य कार्यक्रम पिछले साल भी इसका आयोजित हुई और एक पहले मैं आ नहीं पाया था, लेकिन देखने की बहुत इच्छा थी। इतने हजारों युवाओं को इकट्ठित करके इतने सुंदर कार्यक्रम करवाना आसान काम नहीं। इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु और एनसीआर के बाकी सब भक्त लोग जो जुड़कर इस प्रोग्राम को 3 दिन का प्रोग्राम को बनाने में जिन्होंने भी आयोजन किया है, वो सब उन सब भक्तों में धन्यवाद देता हूँ। इट इज़ सच अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम ऑफ ब्रिंगिंग एवरीबडी अंडर वन अम्ब्रेला टू सिट डाउन एंड लर्न समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आज के सत्र में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देंगे। ये करे जब कन्विक्शन ये मेरा शीर्षक मुझे दिया गया था। आप देखेंगे ये नास्तिक लोग एक धान्य भी नहीं बना सकते हैं। अरे बोल दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में महाराज जी भी पधार चुके हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आधुनिक इंसान वैज्ञानिकों ने जो दिया है स्मार्टफोन एरोप्लेन सुख सुविधा इत्यादि को लेकर लगभग अंधा ही हो चुका है, क्योंकि भौतिकता जितना बढ़ता है उतना हम आध्यात्मिक सत्य को भूल ही जाते हैं। जैसे इधर बताया गया है एक धान्य को भी नहीं बना सकता है वैज्ञानिक, एक बूंद पानी को भी नहीं बना सकता है, नहीं तो आपको श्वास लेने वाले हवा जो है उसका एक अंश भी नहीं बना सकता है। देखिए आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए लैब ग्रोन फूड बोलते हैं। इसका नाम सुनकर आपको लगता है कि लैब में कुछ भोजन तैयार किया गया है, लेकिन ये किससे बनाते हैं? ये जानवर के मांस से बनाते हैं, कीटाणुओं से बनाते हैं। इस तरह नाम अच्छा अच्छा नाम दे देते हैं लैब ग्रोन फूड। इस तरह हम लोग धोखा खाकर हम अंधे होकर आधुनिक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इस विषय के बारे में खोजना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या मैं जड़ प्रकृति हूँ नहीं तो मैं आत्मा हूँ। सर्वप्रथम गीता में भगवान समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो आत्मा है तुम आत्मा हो और शरीर तुम्हारे एक गाड़ी है, नहीं तो तुम आत्मा हो शरीर तुम्हारे लिए एक पोशाक है। जब तक इस बात को तुम नहीं समझोगे तुम रोते रहोगे। तो भगवान इस बात को सर्वप्रथम समझाया अर्जुन को। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरोप्लेन खड़ा रहता है एयरपोर्ट में, करोड़ों साल खड़ा रह सकता है, वो ऊपर उड़ेगा नहीं जब तक कि एक जीवित
व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करके कॉकपिट में बैठकर उसको ऊपर उठाता है। जब तक जैसे आप लोग ड्रोन कैमरा देखते हैं क्या अपने आप उड़ता है क्या, वो उसको उड़ाने वाला कोई होता है उसके पीछे, आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने जेसीबी देखा होगा, मैं जब स्कूल के दिनों में हमने एक जेसीबी देखा, इतना बहुत जमीन को खोद रहा था, सोचा क्या इतना बड़ा राक्षस का हाथ किधर से आ गया। लेकिन वो राक्षस के हाथ के पीछे एक कैबिन है, उस कैबिन के अंदर एक ड्राइवर बैठकर उसको चला रहा है। इस तरह आप देखेंगे, बहुत हाथी का शरीर लीजिए नहीं तो एक छोटे जंतु का शरीर लीजिए, दोनों में एक जीवन देने वाला एक आत्मा बैठा है, और आत्मा और शरीर के बीच में फर्क जानना बहुत आवश्यक है। जिस शरीर में आत्मा है वो शरीर बढ़ता है, शुरुआत में घटता नहीं। लेकिन ये टेबल को इधर करोड़ साल रखिए, ये घटता जाएगा, चूर चूर हो जाएगा ये। लेकिन आत्मा जिस शरीर में है वो बचपन से युवक अवस्था से बुढ़ापा से बढ़ता है, उसके बाद घटता है। इस तरह जिस शरीर में आत्मा है वो शरीर ये कर सकता है, बच्चे को पैदा कर सकता है। जैसे एक पुरुष और स्त्री बच्चे को पैदा करते हैं, एक कुत्ता और कुत्ती बच्चे को पैदा करते हैं, ऐसे एक लारी और बस साथ में आकर एक कार को पैदा नहीं करता, आप देख नहीं सकते आप। इस तरह हम लोग देखने से कि आत्मा जिधर है शरीर में, उधर परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्शन, तीन चीज है। हम लोगों को जैसे अगर इधर कुछ सर्प इसके ऊपर चढ़ गया, ये टेबल कुछ नहीं करने वाला है, ऐसे ही खड़ा रहेगा टेबल। लेकिन अगर आपके ऊपर एक सर्प चढ़ गया तो आप चुपचाप बैठेंगे आप, क्योंकि आप तुरंत देखेंगे कि सर्प आ गया इधर, तुरंत आप समझ जाएंगे कि मार सकता है मुझे, तुरंत उसको मारने के लिए प्रयत्न करेंगे आप। ये जीवित आत्मा जब शरीर में बैठा हुआ है तब इस तरह के तीन प्रक्रिया देखा जा सकता है, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्शन। अंदर ही अंदर आप लोग और तीन चीज आप देख सकते हैं। हम लोग शाश्वत काल के लिए जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता इधर, नहीं तो वेंटिलेटर वगैरह क्यों लगाते हैं और अपने आयु को वर्धन करने के लिए क्यों प्रयत्न करता है इंसान। इसी तरह आप सब लोग सोचिए एक क्षण के लिए कि कितना आनंद चाहिए आपको, इतना चाहिए, इतना चाहिए। आप बोले इतना चाहिए, यू वॉन्ट इन्फाइनेट हैप्पीनेस एंड यू वॉन्ट जीरो सफरिंग। ये किसी भी जीव राशि को देखिए, कुत्ते हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हम सब लोग समुद्र के बराबर आनंद चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। तो लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, लुकिंग फॉर एवरलास्टिंग लाइफ, लुकिंग फॉर नॉलेज, हम लोग ज्ञान को भी अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं। तो तीन चीज अंदर ही अंदर आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ। यू ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, टू बिकम परफेक्ट इन योर लाइफ, सो यू आर स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज, नॉलेज, हैप्पीनेस, इटर्नल लाइफ। अंदर बाहर परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्शन, ये छह चीज सिर्फ उस शरीर में इसका अनुभव होता है जिधर आत्मा बैठा हुआ है। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ। अर्जुन सिर्फ गीता का ज्ञान सुनने मात्र से पहले जो हतोत्साहित था उसके अंदर साहस आ गया इस दिव्य ज्ञान को पाकर। तो आप देखेंगे ये सोचने की बात है, आधुनिक इंसान आपको सिखा रहा है कि आप सिर्फ ये केमिकल्स का एक भंडार हो बस। अगर आप केमिकल का ऐसे ही एक केमिकल से बनाए हुए हो तो हम केमिस्ट्री लैब में जाकर केमिकल्स को आलिंगन क्यों नहीं देते हम, क्यों माता पिता को आलिंगन करते हैं अगर हम सिर्फ केमिकल का बंडल है तो। इसलिए सोचने की बात है ये। तो इस दुनिया में जितना भी कोई खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु के बाद कोई उस शरीर के निकट नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आत्मा सब छूट जाता है, शरीर को नाता रिश्ता भी उसको आग में दे देते हैं। इसलिए आत्मा और शरीर के बीच में फर्क जानना ज्ञान का पहली बात है। ये समझने के बाद दूसरा चीज, इस दुनिया किधर से निकला, क्या बहुत बड़ा कुछ विस्फोट हुआ उसके बाद क्या सब निकल गया क्या। अगर आप गूगल में भी जाकर सर्च कीजिए बिग बैंग के बारे में, वो लोग बताएंगे बाद में बोलेंगे कि ये वैज्ञानिक लोग भी सहमत नहीं है इससे, ऐसे तो 20 थियरीज हैं।
ये सब देने के बाद भी वो लोग किसी भी क्रिटेरिया से कुछ नहीं है वो लोग, क्योंकि अभी भी ढूंढ नहीं पाए दो चीज, इस दुनिया का स्रोत क्या है, जीवन का स्रोत क्या है, ये दोनों ढूंढ नहीं निकाल पाए अभी तक। तो आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इससे ऊपर जाते जाएंगे, क्या सबके पिताजी एक पत्थर के विस्फोट से आ गए क्या? नहीं तो सबके पिताजी के पिताजी के पिताजी भी कोई जिंदा कोई जीव होगा, ऐसे इधर दिखाया गया फ्रॉम बिग ब्रेन, ये डिडंट कम फ्रॉम बिग बैंग बट केम फ्रॉम अ बिग ब्रेन। यही असुर और देव के बीच में यही फर्क है। असुर लोग सोचते हैं कि सब कुछ मेरे बलबूते पे चल रहा है, देवता लोग सोचते हैं सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। तो गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन, आठ भौतिक तत्व जो है वो मेरे से ही निकलते हैं, भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि आपो अनल वायु खम और मन बुद्धि अहंकार, ये सब के उद्गम स्थान में हूँ और मैं ही, ये सब मेरे हैं भगवान बताते हैं, भगवान ने निर्माण किए हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं वो स्रोत्र हैं सब चीजों के, किसी भी चीज को लीजिए आप, जैसे हम लोग दूध पीते हैं, दूध किधर से आया, गाय से आया, गाय कैसे दूध दिए, घास का है, घास किधर से आया, बारिश होने से, बारिश कैसे आया, बादलों से, बादलों में पानी कैसे आया, समुद्र से पानी को उठाया, किसने उठाया, सूर्य ने उठाया, सूर्य कैसे उठा पा रहा है समुद्र के पानी को, बाष्प कर पा रहा है। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यज्ञया कृष्ण की या गोविंद की आज्ञा से सूर्य काम कर रहा है, इसलिए हम लोग दूध पी रहे हैं, अंततो गत्वा भगवान गोविंद ही उस दूध के स्रोत हैं, सर्व कारण कारण। ऐसे आप किसी भी चीज को लीजिए इस दुनिया में, जैसे आप आम का, ये आम खाते समय अच्छा लग रहा है आपको, अरे आम किधर से आया, किसी ने कुटली को बोया, उधर से आम के पेड़ निकला, उधर से मैंने आम खाया, वो कुटली किधर से आया, दूसरे आम के पेड़ से आया, वो आम का पेड़ कैसे आया, दूसरे कुटली से आया। ऐसे आप ऊपर 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 जाते जाइए, 14.4 कृष्ण बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहम् बीजप्रदः पिता। अर्जुन सब बीजों का स्रोत मैं हूँ, ये 84 लाख योनियों के सब बीजों का स्रोत मैं हूँ भगवान बताते हैं। तो इसलिए भगवान अंततः गत्वा सर्व कारण कारण है, ये बताते हैं। दूसरा चीज बताते हैं भगवान, मैं सब चीजों का सार हूँ, जैसे बल्ब है इसका सार है रोशनी देना, फैन का सार है हवा देना, इसी तरह पानी का सार है रस, इसी तरह सूर्य का सार है रोशनी देना और ताप देना, भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। इस तरह भगवान सूर्य की ताप के द्वारा उसके कारण फूल खिल उठता है, बारिश होता है, विविध तरह के फल बनते हैं, और ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा के द्वारा सब फलों में अलग अलग तरह के रस बढ़ता है, जैसे स्वीट सवर साल्ट पंजेंट अस्ट्रिंजेंट बिटर, छह तरह के रस। तो इंसान क्या एक भी फल नहीं बना पाएगा, हो सकता है प्लास्टिक मैंगो बनाकर शोकेस में रख सकते हैं आप, लेकिन इस तरह के छह तरह के जूस कौन बना सकता है। इंसान इसको नकली करने के लिए रसना बनाया, आप लोग जानते हैं रसना, छोटा बॉटल, कभी कभी माताएं 10-10, 20-20 बॉटल बनाकर घर में रखती है, लेकिन अभी पता चल गया कि उसको पीने से आपको व्याधि होता है, क्योंकि वो कृत्रिम रूप से बना हुआ जो केमिकल्स हैं उससे आपको पोषण नहीं मिलता है, उस शरीर में व्याधि पैदा करता है, लेकिन भगवान जो जूस दे रहे हैं उसको पीने से हमको पोषण मिलता है। तो इस तरह भगवान के दो आँख हैं, सूर्य और चंद्र, सूर्य से पैदा करते हैं, चंद्र से जूस से भर देते हैं, इस तरह की चमत्कार करने वाले हैं भगवान हैं। अभी प्रकृति में आप देख सकते हैं कितने तरह तरह के, जैसे मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, अर्जुन ये प्रकृति चल रहा है तुम्हारे से नहीं, मैं चला रहा हूँ उसको, भगवान बताते हैं। देखिए प्रभुपाद जी लंदन में एक स्थान में गए थे, दो दिखाया उन्होंने, एक घर में दिखाया उन्होंने, उधर कांच टूटा था, बहुत धूल पड़ा था, बगीचे में ट्रिमिंग नहीं किया था,
पत्ते ऊपर से नीचे गिरे थे और भक्तों को दिखाया प्रभुपाद ने, दूसरे घर देखो उन्होंने दिखाया, उधर लाइट ऑन था, पत्तों को साफ सुथरा रखा था निकाल कर, गार्डन में ट्रिमिंग किया था, लाइट भी ऑन था। भक्तों को देखा कि यह घर में यह घर में क्या फर्क है। भक्त लोग बोले कि यह घर में कोई तो रहता है, अंदर है, इस घर में कोई नहीं। प्रभुपाद ने बोला कि दुनिया को देखो, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, इज द वर्ल्ड लाइवली और इज द वर्ल्ड डेड, ऐसे पूछा उन्होंने। सब भक्तों ने बोला ये जीवित ही दिख रहा है, सजीवित है ये दुनिया, मृत नहीं है। यू वेक अप इन द मॉर्निंग, द सन शाइन्स, द क्लाउड शावर, द फ्रूट्स राइपन, द फ्लावर्स ब्लॉसम, सीजन्स चेंज। आप देख सकते हैं कि ये सब परिवर्तन जो दिख रहा है आपको इस दुनिया में, हम नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, हम सिर्फ देख रहे हैं और इन चीज़ों से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन भागवत में भगवान बताते हैं, मदभयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर् मृत्युश्चरति मदभयात। अर्जुन, अर्जुन नहीं है, गीता नहीं, भागवत में बताते हैं, कपिल भगवान बता रहे हैं कि इस दुनिया में सूर्य का उदय हो रहा है मेरे आदेश से। भगवान बताते हैं एक दिन भी आपने देखा नहीं होगा कि 10 बजे उठ गया और सारी बोलते हुए आ गया, सारी थोड़ा लेट हो गया आज, कभी देखा आपने भी? हम लोग लेट उठते हैं, सूर्य कभी लेट नहीं उठता। इस तरह कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो हजारों का साथ दे रहा है, जो भगवान के कंप्यूटर में मिस्टेक हो गया इसको अभी नहीं प्राप्त हुआ है उसका, ऐसे कोई भी नहीं। हरे कृष्ण, ठीक आ रहा है आवाज? तो इस तरह आप देख रहे हैं प्रकृति में सब ठीक ठाक चल रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे दृष्टिपात से सब ठीक ठाक चल रहा है। इसी तरह वैज्ञानिक लोग एक बूंद भी खून नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपके पास मांगते हैं कि ब्लड डोनेशन दीजिए। आप देख सकते हैं वैज्ञानिकों ने ये खून को तैयार करने के लिए अनेक साल से इसका आविष्कार रिसर्च चल रहा है, अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं भगवान ने किस तरह की इस शरीर को निर्माण किया। प्रभुपाद बताते हैं, मेटलिस कैन डिग द अर्थ एंड इरेक्ट अ बिल्डिंग एंड ओवर सेंचुरीज द बिल्डिंग विल क्रम्बल इनटू पाउडर बैक टू अर्थ। व्हाट हैव दे डन? प्रभुपाद जी पूछते हैं कि जमीन को खोद कर बड़ा इमारत बनाता है और इमारत धीरे धीरे टूट कर जमीन से मिट्टी से मिल जाता है, तो तुमने क्या किया तुमने इस दुनिया में आकर? ऐसे प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, खुद नहीं किया तुमने, भगवान की चीजों को चोरी करके कुछ बनाया और उसके साथ वो मिट्टी से मिल गया बाद में। इसलिए कभी कभी हम बड़े इमारतों को देखते हैं कि सोचते हैं अरे इंसान ने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी इमारत बनाया है, 100 माले वाला, 200 माले वाला, किधर से बनाया? कुछ नहीं लगाया उसने, भगवान के ही संपत्ति को लेकर बना रहा है वो। इसलिए गीता ईश्वर परिषद में श्लोक, सब लोग पीछे बोलिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य सिद्धनम्। तो इधर बताया गया कि इस दुनिया में चर अचर कुछ भी जीवित हो मृत हो सब चीजों की सृष्टिकर्ता भगवान है, इसलिए भगवान ही उनके मालिक हैं, भगवान ही उनको नियंत्रण करते हैं। जैसे अभी लाइट है इधर, मैं स्विच ऑन करूंगा तो ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, वो लगता कि मैं नियंत्रण करता हूं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले पावर शट डाउन कर दिया तो हम ऑन ऑफ करने से मतलब नहीं, तो हमारे पास कंट्रोल निकल जाएगा। इस तरह हम लोगों के पास थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन पूरा कंट्रोल भगवान के हाथ में है, यही भगवान बताते हैं इधर। इसलिए हर एक जीव अपने अपने कोटा को ले सकता है, जो रोटी कपड़ा मकान, लेकिन दूसरों की चीजों को चोरी नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए कि ये सब भगवान की संपत्ति है, ऐसे बताया गया। प्रभुपाद बताते हैं गीता के 3rd अध्याय में, इस तरह के चीजों को कोई इंसान नहीं बना सकता है। तो प्रभुपाद जी के पास एक वैज्ञानिक आकर पूछा कि हम लोगों ने इतनी प्रगति किया है, आपको क्या लग रहा है? प्रभुपाद जी ने बोला कि अरे कुत्ते 4 पांव से भाग रहा, तुम 4 पहिए में भाग रहे हो, तुमने क्या प्रगति किया तुमने?
तो प्रभुपाद ने क्यों ऐसे पूछा? देखिए, ग्रीक मिथोलॉजी में एक कहानी है सिसिफस नाम का। ये व्यक्ति सिसिफस, उसको एक दंड था कि राजा ने दंड दी थी उसको, एक बहुत बड़े पत्थर को, राउंड पत्थर था वो, उसको एक पहाड़ के ऊपर उठाने का, ऐसे 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 धक्का मुक्का देकर उठाते ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद छोड़ देने का उसको, ट्र आ जाएगा नीचे वो, और एक बार उठाने का उसको, ऊपर रखने का नीचे आ जाएगा। दिन भर करना उसके लिए दंड था ऐसे, अगर नहीं करेगा ना उसको कोड़े मारते थे उसको सैनिक लोग, सुबह से शाम तक 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 जाता था है, और पसीना छूटता था, तकलीफ बहुत था, फिर भी वो करना ही पड़ा उसको, दंड था ऐसे उसको। मैंने सोचा कि हम इस दुनिया में देखते हैं, भौतिक दुनिया में लोगों का जीवन भी ऐसा ही है, क्योंकि वो लोग LKG करते हैं, UKG करते हैं, 5वां कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं करते हैं, बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग, मेडिसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में घुसते हैं, डिग्री प्राप्त करके उसके बाद पैसा अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, बैंक में डालते हैं, अचानक एक दिन मैसिव हार्ट अटैक आया, मर गया वो, ट्र नीचे आ गया वो, पूरा चला गया, उसके बैंक अकाउंट भी चला गया, बीवी बच्चे चले गए, लैपटॉप चला गया, घर चला गया, शरीर भी छूट जाता है, और क्या बचने वाला हमारे पास, ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ लेके चलेंगे, जो इस दुनिया में पाया इधर ही छोड़ कर चलेंगे, ऐसे उसको समझ में आता है उसको। तब वो देखता है, कह रहे मैं एक आत्मा शरीर से निकल गया, अभी एक भी चीज साथ में नहीं लेके जा सकता, जीरो हो गया सब, अगले जन्म में जाकर बाबा ब्लैक शिप चालू करेगा वो। इसलिए प्रभु ने पूछा कि तुम भौतिक प्रगति, जीरो प्रोग्रेस है, कुछ भी प्रगति नहीं किया तुमने, अभी राधेश्याम दास में M.Tech किया IIT से, अगले जन्म में क्या हम IIT डिग्री को लेके आ सकते हैं, बोल सकते हैं कि IIT में हमने डिग्री की थी, वो निकल ही जाएगा। मेरे पास एक वीडियो मिला मुझे, एक कुत्ता है, वो जन्म से वो गणित करता है, वो कैलकुलेशन करता है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैथमेटिक्स टीचर हुआ होगा वो, है आपको दिखाता हूँ। All say 1, 1, 3, 5, 7. तो मैंने क्यों आपको दिखाया, प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण बताते हैं गीता में, हे अर्जुन, अगर कोई जीव मृत्यु के समय अपने मन में वायु गंधा निवाशयात, बताते हैं कि एक जन्म के स्क्रिप्ट्स जो होते हैं उसके मन में, उसको अगले जन्म में लेके जाता हो, हो सकता है कि कुत्ता पूर्व जन्म में मैथमेटिक्स टीचर हुआ होगा, मैथमेटिक्स सिखाते सिखाते कुछ लफड़ा कर दिया उसने किसी के साथ, तो अभी कुत्ता बना हो, अभी वो गणित याद है लेकिन कुछ लाभ नहीं है उसको भी उस गणित से। इसके विरुद्ध आप देखेंगे, और एक दिखाता हूँ आपको, आपको आश्चर्य होगा इसको देखकर, देखिए एक कुछ ही महीनों का एक बच्चा है, देख सकते हैं आप,
नमामीश्वरम सच्चिदानंद, बताओ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियो लोख लाब्दा वमानम परमृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदंतमु हुर्नेत्र युग्मम वजंतम करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्र रेखांक कंठम स्थितग्रव दामोदरम भक्ति बद्धम इति द्रक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्या पयंतम तदीयेषु तग्नेषु भक्ते जितत्वम जितत्वम होता है जित्यम नहीं होता है पुनः प्रेम तस्तम शतावृत। आपने देखा अभी अगर एक जन्म में किया हुआ भक्ति अगले जन्म में जाता है, अगर आपने देखिए बच्चे ऐसे बात करना चालू करते हैं अढ़ाई साल होने के बाद है? अब ये बच्चे का कुछ ही महीनों का बच्चा है और इतना ही नहीं है ब्ला 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 नहीं कर रहा है, वो सही शब्द बोल रहा है वो, क्योंकि अगर आपने भक्ति सही ढंग से की है 50% कर दिया आपने तो अगले जन्म में आप 51 से चालू करेंगे आप, अगर आपने 80 कर दिया तो 81 से चालू करेंगे आप। भक्ति कभी घटता नहीं है, मिटता नहीं है, साथ में जाता है जीव के साथ। तो ये बात भगवान बताते हैं गीता में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये अर्जुन मेरे भक्त जो थोड़ा भी अल्प भक्ति भी किया है, जैसे आप लोग अभी विप्लव का 3 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया है, ये आपके रिकॉर्ड में चला जाएगा, फलाना पुराना भक्त ने विप्लव अटेंड किया 3 दिन, भगवान का हरिनाम सुना, भगवान की हरि कथा में भाग लिया, प्रसाद पाया, तो आपके परमानेंट रिकॉर्ड में चला जाएगा वो। तो इसलिए वो प्रगति है, भौतिक प्रगति 0 प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति सही प्रगति है, ये बताते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए हम मनुष्य जीवन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, प्रहलाद जी बताते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन में कुछ हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति को एक झोपड़ी को एक बड़े इमारत के रूप में बदलने में हमारी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप झोपड़े में रहो, बहुत बड़े मकान में रहो, फर्क नहीं पड़ता इंसान को, कोई प्लेटफॉर्म में सो जाता है, कोई बड़े इमारत में सोता है, क्या फर्क पड़ता है। अगर अगर आप करोड़पति भी बन गए, कितना चपाती खाने वाले हैं, करोड़ करोड़ चपाती खाएंगे आप, वही 4-5 चपाती खाने वाले हैं, कितने बड़े घर में रहेंगे आप। इसलिए इंसान को मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ है, एक ही मात्र शरीर है जिसमें आप चित्त को शुद्ध कर सकते हो। आप अभी देखिए कुत्ते कुत्ते गणित तो बोल रहा है लेकिन वो हरिनाम नहीं कर पाएगा, वो हरिनाम करने के लिए उसके पास जीवा नहीं है, आपके पास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने की क्षमता आपके पास है, पेड़ों के पास नहीं है, जानवरों के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में चित्त को शुद्ध करने की एक ही मात्र प्रक्रिया करना चाहिए, शास्त्र बताते हैं। देखिए आधुनिक इंसान को पूछिए, अरे तुम्हारे ये एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, सिर्फ मोटे मोटे किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी परिवर्तन कुछ नहीं आया उनके हृदय में, वो बहुत बड़े बोझ ही बनता है वो। और विद्यार्थी लोग डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के बाद भी प्रभुपाद ने देखा अमेरिका में वो लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अवैध संग कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं उनमें। तो बाबा ने पूछा कि अरे तुम्हारे बड़े बड़े एजुकेशन के कारण युवक युवतियाँ आत्महत्या कर रहे हैं, क्या एजुकेशन दिया तुमने उनको। 1968 में प्रभुपाद जी बर्कली नाम के यूसी बर्कली में गए थे, मैं भी अभी रिसेंटली गया था यूसी बर्कली में, मुझे याद आया ये पास टाइम प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी प्रवचन चालू करने ही वाले थे, एक लड़का उठ गया भारतवासी, पूछा कि स्वामी जी अमेरिका में आकर आप गीता सिखा रहे हो, कौन आपको सुनेगा, ऐसे पूछा उसने। प्रभुपाद ने बोला, वो लड़का बोला प्रभुपाद जी को, आप गीता सिखा रहे हैं कौन सुनेगा, क्योंकि हम लोग तकनीकी में वैज्ञानिक में आगे बढ़ चुके हैं, आपके गीता को कौन सुनेगा, ऐसे लड़का ने पूछा।
प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, ठीक है तुम वैज्ञानिक में, तुम्हारे विज्ञान में, तकनीकी में तुम आगे बढ़ गई हो, इसलिए अमेरिका आए हो तुम डॉलर नोट की भीख मांगने के लिए। मैं भीख नहीं मांगने के लिए आया हूँ, प्रभुपाद जी बोले मैं देने के लिए आया हूँ, तुम लेने के लिए आए हो। प्रभुपाद जी बोला कि मैं अमेरिका में आकर इधर के लोगों को सुधारने के लिए, भगवान के निकट जाने के लिए, कुछ दिव्य ज्ञान देने के लिए आए हूँ, तुम जैसे भीख मांगा नहीं हूँ, बोले प्रभुपाद जी। इसलिए आप देखेंगे कि इतना आगे पढ़ाई होने के बाद भी इंसान में परिवर्तन नहीं आता है, इसके विरुद्ध आप देखेंगे लोगों के चित्त भर जाता है, गाड़ी मकान डॉलर नोट परिवार और धन दौलत इत्यादि, इसको छोड़कर इंसान को कुछ नहीं मालूम है। इसके कारण वो लोग जब मरते हैं, कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है, कोई पेड़ बनता है, उसको मालूम ही नहीं किधर जा रहा है वो। इसके विरुद्ध आप देख सकते हैं मृगारी का कथा दिखा गया ऊपर, वो हर दिन अनेक जानवरों को पंछियों को मारता था वो, लेकिन नारद मुनि ने उसको हरिनाम देकर उसके चित्त को शुद्ध कराया और वो महान वैष्णव बना मृगारी। अब नीचे देख रहे हैं वाल्मीकि वो नारद मुनि को मारने के लिए गया वो पहले, लेकिन उसको मरा मरा नाम देकर नारद मुनि ने सुधार कर उसको वाल्मीकि बनाया। तो इस तरह के हृदय परिवर्तन भगवान के हरिनाम के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इधर देखे, बाय हियरिंग फ्रॉम अ प्योर डिवोटी अरगंट किंग रघुगणा बिकेम हम्बल किंग रघुगणा। यह रघुगण नाम का एक महान राजा था सवीर देश के, कौशल देश के। तो एक दिन वो पालकी में जा रहा था, लेकिन जड़भरत नाम के महान एक भक्त जंगल में जा रहे थे, उनको पकड़ कर लगा दिया सेवा में, हमको लेके जाओ पालकी को। उनको डांटा भी, बदनाम भी किया, लेकिन बाद में जब आत्मज्ञान को सुना, तुरंत नीचे झुक कर उनके शिष्य बनाओ, क्योंकि आत्मज्ञान जो सुनते हैं उनमें परिवर्तन आता है, उनके अंदर सब सद्गुण आ जाते हैं, सही ढंग से वो शिष्टाचार आ जाता है उनमें, और उनके अवगुण सब मिट जाता है, सद्गुण का उदय होता है। जैसे नीचे देखे, अजामिल अजामिल नाम का एक व्यक्ति ब्राह्मण के खानदान में जन्म आता हो, लेकिन अच्छे परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी एक दिन जंगल में गया था, एक वेश्या और एक शूद्र के दोनों के क्रिया को देखकर दोनों एक दूसरे के साथ आलिंगन दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जंगल में देखा इसे, पेड़ के पीछे खड़े होकर गया था, अच्छे कार्य के लिए फूल उखाड़ कर लेने के आने के लिए गया था वो, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन इस दृश्य को देखकर, अश्लील दृश्य को देखकर उसके मन में काम वासना अंकुरित हो गई। आजकल के दिन में हम लोग देखते हैं कितने लड़का लड़की बाइक में घूमते हैं, आलिंगन देते हुए, चुंबन देते हुए। इसको देखने के बाद भी इंसान के अंदर अगर काम वासना नहीं अंकुरित होना चाहिए, तो हरेक व्यक्ति को हरिनाम करके हमारे काम कर्म बीजों को मिटाना चाहिए हमारे चित्त में, नहीं तो आधुनिक दुनिया में क्रैश कोर्स है आपको कलयुग में 100 साल का। उन दिनों में लोग 1,00,000 साल जीते थे, उसके बाद 10,000 साल, उसके बाद 1,000 साल, अभी सिर्फ 100 साल। ये 100 साल के अंदर अगर आपको भगवतधाम लौटना हो, तो आपकी समाज के बीच में रहते हुए, सब गंदे गंदे दृश्यों के बीच में रहते हुए भी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं? जैसे दूध होती है, दूध में पानी डालो वो डाइल्यूट हो जाता हो, लेकिन दूध को दही बनाकर, दही से माखन बना, वो माखन होने के बाद माखन को पानी में डाला, वो मिक्स नहीं होगा वो पानी के साथ। इस तरह हम साधना के द्वारा हमारे हृदय में आध्यात्मिक शक्ति को, कन्विक्शन को बढ़ाना चाहिए। जब हम हमारे अंदर ऐसे दृढ़ता आ जाएगा माखन जैसे, माखन को पसंद करने वाले होते हैं भगवान, कौन? कृष्ण भगवान पसंद करते हैं माखन को। हमारे हृदय माखन बनेगा तो भगवान चोरी करने के लिए आएंगे हमारे हृदय को। इस तरह हम लोग, इसको मालूम नहीं था कि हरिनाम करना चाहिए। था वो ब्राह्मण, कुछ रीति रिवाज करता था, लेकिन हरिनाम नहीं करता था पहले। तो उसके बाद उस वेश्या को घर में लाकर पूरा बिगड़ गया उसका चरित्र, 10 बच्चा पैदा किया। जब बुढ़े अवस्था में मृत्यु के निकट आ पहुंचा, उस समय यमदूत आकर उसको पकड़ कर लेके आने के लिए आए थे यमदूत। तब जोर से अपने लास्ट बच्चे का नाम पुकारा, नारायणा, ऐसे पुकारा उसने।
तो उस समय उस नाम लेने मात्र से ही एक अद्भुत चीज हो गया उधर. क्या हुआ? विष्णु दूत आ गए, जैसे आप देख रहे हैं इधर. वो लोग आकर बोले यमदूत को, यमदूत हो, अभी तक एक यमराज के चंगुल में था, अभी नारायण का नाम लेकर भगवान विष्णु की आधीनता में आ गया अभी, इसलिए आप लोग उसको छू नहीं सकते, आप लोग निकल जाओ. वो लोग हाथ में तलवार लेकर यमपाश को काट दिया वो लोगों ने. अभी आप देखेंगे. नारायण नारायण, ओ नारायण. Stop! Leave this man alone! Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. तो यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में वाद विवाद हुआ है. उसके बाद विष्णु दूतों ने बोला कि तुम्हारे स्वामी यमराज के पास जाकर पूछो क्यों ये यमलोक जाने के लिए योग्य नहीं है. तो उसके बाद अजामिल होश में आने के बाद समझ में आ गया उसको, मैं बच गया यमदूतों से. लेकिन विष्णु दूत भी अप्रकट हो गए. आने वाले 12 साल अजामिल हरिद्वार में गया, जैसे आप लोग देख रहे हैं दूसरी पिक्चर में. हरिद्वार गया, गंगा में नहाता था रोज, भगवान विष्णु के मंदिर में भर्ती हो गया, पुजारी बन गया, पूजा करने लगा, गीता भागवत सुना, संत महात्माओं की सांग किया, नाम लिया भगवान का नाम, शुद्ध वैष्णव बन गया. 12 साल के बाद उसी विष्णुदूत लोग आकर उसको वैकुंठ लेके गए अजामिल को. इस तरह अभी तक हम लोगों ने दो चीज समझ लिया, जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है. एक तो हृदय परिवर्तन है. अगर हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो जीवन में हमने क्या प्रगति किया है. शुरुआत में एक विचार को लेकर आते हैं, अगर मृत्यु तक हमने उसको शुद्ध नहीं किया है तो प्रगति क्या किया है. तो इसलिए वो तो एक है. दूसरा चीज है भगवत धाम लौटना, चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौटना. जैसे आप देखते हैं इधर रावण जो है वो परस्त्री का अपहरण किया, इसलिए उसका अधोगति हुआ, मर मिटा. इसके विरुद्ध हनुमान ने सीता को अपने माता के रूप में देखा, प्रभु रामचंद्र को सेवा की उन्होंने, सीता के संदेश लाकर तो भगवान का आलिंगन मिला उनको. इस तरह भोग वृत्ति को मिटाकर सेवा वृत्ति को जगाना, यही जीवन का उद्देश्य है. इतना सरल सीधी सी बात है. लेकिन ये आधुनिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज ये हमको सिखाते नहीं इसके बारे में एक भी विषय. सिर्फ वो सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाना, कैसे बंगलो बनाना, गाड़ी खरीदना, बस उसको छोड़कर बाकी कुछ नहीं सिखा रहे हैं. इधर देखिए, गोल ऑफ एजुकेशन इज हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन. लस्टी रोग शुड बिकम फिल्ड विथ लव. अरगेंट पर्सन शुड बिकम हम्बल. क्रूयल पर्सन शुड बिकम कंपैशनेट. रिवेंजफुल पर्सन शुड बिकम फॉरगिविंग. जिसके मन में किसी को खून करने की इच्छा है तो वो माफ करने की आदत सीखना चाहिए. जो कुटीनाटी करने वाला है वो सरल हृदय वाला बनना चाहिए. जो ईर्ष्यालु है वो ईर्ष्या को छोड़कर परजीवों के कल्याण करने के लिए सोचना चाहिए. स्वार्थ व्यक्ति निस्वार्थ बनना चाहिए. क्रोधी व्यक्ति शांत होना चाहिए. लोभी व्यक्ति जो है वो तृप्त होना चाहिए. इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका हृदय परिवर्तन हरिनाम जप से और हरि कथा के श्रवण से प्राप्त होता है. जैसे Hare Krishna, welcome back to video for the day. This is Sankarshan Das speaking to you from ISKCON, Austin, Texas, USA. The following video footage is very dear to me. It shows Prabhupada chanting back in the 60s on Hippie Hill in San Francisco. This is where I first met the devotees. They were just coming from Hippie Hill where they were doing the kirtan. I first met them there, right there, as they were coming off Hippie Hill. Plus the fact that I was also from the hippie movement, and a hippie friend of mine turned me on to this Hare Krishna mantra back in 1968. So it's quite nice footage. I'll go ahead and let you see it now. They call it the hippie religion. That's the name of the footage. Thanks for tuning in. Hare Krishna.
he embodied spirituality, and his disciples wanted it. They said, we want some of that. Whatever it is he's having, I want that. So this is the guru. So many hippies were really in love with Prabhupada and in love with the devotees and considered the Hare Krishna to be the hippie religion at this point. If everyone in the United States believed in Krishna to the extent that you do, what would happen to this country? How would it be transformed? They'd be very happy and peaceful. There will be no more hippies. what would you describe as a hippie? Someone who smokes. You know better than that thing. Something extraordinary. Okay. प्रभुपाद जी की अमेरिका जाना 1965 में 1972 के अंदर सिर्फ 12 साल में इतना बड़ा परिवर्तन लाया प्रभुपाद जी ने. आज जब हम अमेरिका में अमेरिका से मैं रिटर्न आ रहा हूँ अभी ईस्ट कोस्ट में वेस्ट कोस्ट में लगभग 15-20 यूनिवर्सिटीज़ में गए थे. सब यूनिवर्सिटीज़ में भक्ति योग क्लब है, म्यूजिकल मेडिटेशन क्लब है, जिधर हमारे भक्त लोग प्रभुपाद की किताब वितरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं. कीर्तन एंड योगा अमेरिका में इतना प्रसिद्ध हो गया है, किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाकर आप कपड़े बिछाकर हारमोनियम के साथ बैठो, आप कीर्तन कर सकते हैं, उसके लिए फ्रीडम है. क्योंकि यह प्रभुपाद जी की योगदान है. अमेरिका के 20 प्रसिद्ध साइंटिस्ट लोग महामंत्र के इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन उसके ऊपर रिसर्च किया है. अभी हाल ही में कुछ एक महीने के पहले एक मीटिंग हुआ अमेरिका में, 20 से ज़्यादा वैज्ञानिक लोग साथ में आकर उन्होंने प्रूव किया है कि महामंत्र करने वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, बीइंग रियलिस्टिक एंड बीइंग जेंटल, ये सब अच्छे गुण पैदा करने की क्षमता हरिनाम में है. ऐसे वो लोग वैज्ञानिक तरह से निरूपण किया है. जब मैं जाता हूँ अभी अमेरिका के कॉलेजों में, इतना सरलता से हमको एंट्री मिलता है उधर, क्योंकि प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन. इसके विरुद्ध जो पाप कृतियों में लगता है उसको 5 बड़ा नुकसान है, आपको बताता हूँ क्या है. अगर हम मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संग करते हैं, नशा लेते हैं, उन चीज़ों से सर्वप्रथम तो पाप कृतियाँ आपको मुफ्त में नहीं मिलते, खर्चा करना होता है उसके लिए. सिगरेट क्या मुफ्त में देते हैं आपको? कोई शराब का बॉटल मुफ्त में देता है? कोई ड्रग्स क्या मुफ्त में मिलता है आपको? आप देखेंगे कि इन चीज़ों के लिए खर्चा करना पड़ता है, पहला. दूसरा है, उन पदार्थों को लेने के बाद व्याधि होता है जिसके कारण हमारे अंदर बहुत तकलीफ होता है, वो दूसरा है. जैसे कोई सिगरेट फूंकता है उसको लंग कैंसर होता है, कोई तंबाकू खाता है उसके मुँह में छाले पड़ते हैं, कोई शराब पीता है लिवर सिरोसिस होता है, कोई अवैध संग करता है अलग अलग स्त्रियों के साथ उसको 25 तरीके के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं. तो ये दूसरा चीज़ है, पहले तो खर्चा करते हैं, इसका मतलब खर्चा करके दुख मांग रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है. सोचिए कोई है इस दुनिया में जो पैसा देकर मांगो कि मुझे तकलीफ दो मुझे? तो जो लोग खर्चा भी करते हैं तकलीफ भी प्राप्त होता है. तीसरा है, डॉक्टर के लिए पैसा भरना पड़ता है, डॉक्टर बिल, क्योंकि तकलीफ होने के बाद डॉक्टर के पास जाओगे वो दवाई देगा, दवाई के लिए पैसा भरना पड़ेगा आपको, डॉक्टर फी दवाई. चौथा है, पुलिस पकड़ेगा. आप देखें कोई शराब पीकर ड्राइविंग करेगा ना, एक्सीडेंट होगा पुलिस आ जाएगा, कोई अवैध संग करता है शूटिंग हो जाता है पुलिस आ जाता है. तो चौथा है पुलिस. पाँचवा क्या है, यमदूत आएंगे, आपने देखा अजामिल को, वो मृत्यु के बाद आता है. तो आप देखेंगे इस तरह पाप कृतियों में रखने वालों को तकलीफ ही तकलीफ है. बड़ा आश्चर्य की बात है इस दुनिया में कि इतने तकलीफ होने के बाद भी इंसान इसके पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि उसको भगवान के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य क्या है मालूमात नहीं है. इसलिए गीता भागवत को स्कूलों में कॉलेजों में सिखाना बहुत आवश्यक है, और चरित्रवान जीवन जीने के लिए हरिनाम की उपदेश सब बच्चों को देना बहुत आवश्यक है.
तो इस तरह हम लोग आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पुण्य कर्म करते हैं, कोई दान दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म दे रहा है, कोई स्कूल के बच्चों को नोटबुक्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप स्कूल के बच्चों को नोटबुक देने से अगले जन्म में आप प्रिंटिंग प्रेस का ओनर बन जाओगे आप, क्योंकि आपने नोटबुक दिया ना, इसलिए पेपर ही पेपर रहेगा आपके पास अगले जन्म में। अगर आपने पानी दिया तो नदी के पास आपको जन्म मिलेगा, आपको पानी की कमी नहीं रहेगा आपको। अगर आपने कपड़े दिया, यूनिफॉर्म दिया तो टेक्सटाइल मिल के ओनर बन जाओगे आप। तो भौतिक लाभ हम देते हैं दूसरे को, हमको भौतिक लाभ ही प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध अगर हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं, उसको अकर्म बोलते हैं, कृष्ण को स्मरण करते हुए अगर हम उनकी सेवा में लगते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज कल बता रहे थे कृष्ण की लीला, गोपियां माखन बना रही है लेकिन बनाते समय साथ साथ कृष्ण की स्मरण कर रही है मन में, माखन बनाते समय। तो हम लोग कृष्ण के लिए सेवा करना, वो अकर्म बोलते हैं उसको। देखिए अकर्म का मतलब क्या है, इस दुनिया में कर्म करके भी आपका बंधन में नहीं पड़ोगे आप। एक बार दो बच्चे, दो लड़के थे, तो वो लोग घूम रहे थे गांव में, एक बहुत बड़ा जमींदार का महल था, तो गार्डन भी था और बहुत बड़ा कंपाउंड वॉल था। सब लोगों को मालूम था उस गांव में, इस महल में दीवार में कुछ लिखोगे तो जमींदार तुमको पकड़ कर मारेगा, सबको मालूम था, अनेक लोगों को दंड मिला था लिखने वालों को। तो ये दो लड़के उधर ही गए, तो एक लड़का बोला कि मैं कुछ लिखने वाला हूँ दीवार में, लेकिन दंड नहीं मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा मुझे। तो फ्रेंड ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारा, तो कुछ चौक पीस लेकर लिख दिया दीवार में। तो वॉचमैन आया, वो दोनों को पकड़ कर लेके गया जमींदार के पास। जमींदार आकर देखा क्या लिखा उसने दीवार में, इतने खुश हो गए जमींदार, अंदर लेके जाकर उसको भेंट दिया अनेक चीज। आप सोच सकते हो क्या लिखा होगा उसने दीवार में। उसने लिखा था कि इस दीवार में कुछ मत लिखना, ऐसे लिखा था उसने। तो इस तरह जमींदार ने बोला कि चारों दीवार में लिख दो, इस दीवार में कुछ मत लिखना है, दीवार में कुछ मत लिखना है, कुछ मत लिखना है ऐसे। तो क्योंकि जमींदार के इच्छा को पूर्ति किया उसने, इसलिए उसको भेंट मिला। इसी तरह हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, भगवान की इच्छा को हम पूर्ति करेंगे तो हमको भगवान से भेंट मिलेगा हमको भी। हम नहीं तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध चलेंगे तो हम इस दुनिया में तकलीफों को प्राप्त करते हैं। सो रिमेंबर द फोर थिंग्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, अलाइनमेंट विद गॉड, एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ये चार चीज याद रखिए। एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड का मतलब भगवान को स्वीकारना, अलाइनमेंट विद गॉड का मतलब शास्त्रों को स्वीकारना, एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड का मतलब यज्ञ, भगवान की खुशी के लिए जीवन जीना, काम करना। जैसे आप लोग जानते हो, विद्यार्थी कभी कभी अपने गांव छोड़कर आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, पिताजी उनके लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा देता है, करेक्ट है ना? पिताजी की क्या अपेक्षा है आपसे? एक लड़का बोला कि पिताजी की अपेक्षा है कि हम उस पैसा को खर्चा करें, बस इतना ही है क्या? अच्छा, रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा खर्चा करो, लेकिन इच्छा भी करता है पिताजी की ये डिग्री हासिल करे, उसके बाद MBA करे, मेरे बिजनेस में आकर ज्वाइन करे, हर एक पिताजी इच्छा रखता है इसे। इसी तरह भगवान ने भी हम लोगों को छोड़ा है इस दुनिया में, चलो अभी रोटी कपड़ा मकान के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ, सब खाओ फिर वो जीवन जियो, लेकिन साथ साथ तुम चित्त को शुद्ध करके मेरे धाम में वापस लौट आ जाओ, ये अपेक्षा है भगवान की। अनेक लोग भगवान से सब लेते हैं, गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट गेट एंड फॉरगेट। हम भगवान से सब कुछ चीज़ों को लेकर हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं, चित्त को शुद्ध नहीं करते। तो होमवर्क जो नहीं करता है वो पाप कृत्य में फंसता है, पाप कृत्य में जो फंसता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमते रहता है। इसलिए हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म मतलब भगवान के लिए क्या हुआ कर्म। जैसे इधर देखिए अर्जुन, वो एक बड़े योद्धा था लेकिन भगवान के लिए युद्ध किए उन्होंने। इस तरह अनेक एक्टिविटीज हमारे संस्था में हम लोग करते हैं, जैसे इधर हरिनाम सुंदर संकीर्तन कर रहे थे गुरुकुल के बच्चे अभी, इसी तरह हम प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक किताबों का वितरण सारे दुनिया में 60 करोड़ किताब वितरण हुआ है आज तक। परम पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज BBD के ट्रस्टी हैं, प्रभुपाद जी ने उनको ट्रस्टी बनाया, बोला कि अनेक भाषाओं में इन किताबों को अनुवादित करके वितरण करो। महाराज अनेक पिछले 50 साल से कर रहे हैं महाराज ये सेवा, सारी दुनिया में पहुँचा दिया उन्होंने। अभी हाल ही में
His Grace Vaisheshika Prabhu, जो San Jose में रहते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि आर्टिका अंटार्कटिका में भी प्रभुपाद की किताब पहुंच गई है अभी। तो उन्होंने बोला इस्कॉन ने ही एक बोट अरेंज किया है, इस्कॉन हैज अरेंज्ड अ शिप टू गो टू आर्टिका अंटार्कटिका एंड गिव द बुक्स टू द एस्किमोस, अभी भी पहुंचा है 2-3 महीने के पहले। इसका मतलब कहीं भी नहीं है दुनिया में जिधर प्रभुपाद की किताब नहीं पहुंचे। तो इस तरह भगवान के संबंधित किताबों को वितरण करना, हरिनाम संकीर्तन करना, माताएं माला कर रही है, देखिए भगवान के लिए हार बना रही है, इस तरह भोजन बनाकर भगवान को भोग चढ़ाना, प्रसाद का वितरण करना, भगवान के शिवग्रह का आराधना करना, तो ये सब अकर्म में आता है। इस तरह तो भगवान के लिए पेंटिंग करना, कल एक भक्त देखा हमने चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर पेंटिंग किया थे उन्होंने, भगवान के लिए गार्डनिंग करना, फूल बनाकर भगवान को चढ़ाना। तो इस तरह हम लोग सरल भक्ति मार्ग को अपने जीवन में उतार कर भगवान का हरिनाम जप कर गीता भागवत पढ़कर हम जीवन को में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कीर्तन कितना सुंदर चल रहा है, देखिए इस कान में है। इस तरह प्रभुपाद जी की कृपा से सारे दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े मंदिरों में हजारों लाखों भक्त लोग साथ में इकट्ठित होकर इस तरह हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, जो युग के लिए युग धर्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातो परतरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में ये हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है कलयुग के वासियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ऐसे बताया गया है। तो अगर कोई कंप्यूटर में बहुत टैलेंटेड है वो भगवान के लिए कुछ पावर पॉइंट बना सकता है, नहीं तो किताब छाप सकते हैं बैक टू गॉड ऐसे। प्रभुपाद जी ने अनेक भक्तों को लगाया, जैसे जयानंद प्रभु को लगाया उन्होंने रथ यात्रा रद्द करने के लिए। तो अभी तक मैंने अनेक चीज बताते आया हूँ, अभी आगे जाकर ABCDEFG ऐसे 7 चीज है जिसमें दृढ़ भक्तों के लक्षण में बताऊंगा आपको। दृढ़ भक्ति का मतलब क्या है? ऑल गुड, कृष्णा इज ऑल गुड, आई एक्सेप्ट व्हाट एवर ही सेंड्स मी एज लव। ये वामन देव और बलि महाराज की लीला है। बलि महाराज नाम के राजा दैत्यों दैत्यपति वो दैत्यों का राजा था। वो एक बार तीनों लोगों को छीन लिया उन्होंने देवताओं से, पूरे त्रिलोक अधिपति बन गया वो। तो देवताओं की माता अदिति जाकर भगवान को प्रार्थना किया कि आप मेरे पुत्रों के राज्य को वापस लौटाइए, बलि महाराज ने ले लिया है उनके। तो भगवान वामन देव के रूप में आए जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो एक ब्राह्मण के रूप में जाकर बलि को 3 पांव मांगा उन्होंने। बलि बहुत ब्राह्मण को देखकर खुश हुआ, प्रेम से दान दे दिया उनको। तो भगवान अपने आकार को बढ़ाकर अपने 1 पांव में ऊपर के लोगों को माप लिया, 2 पांव से नीचे के लोगों को माप लिया। उसके बाद बोला कि बलि 3 पांव रखने के लिए है ही नहीं जगह, मैं किधर रखूं अभी बताओ। तब बलि भगवान की शरण लिया, बोला कि भगवान सब कुछ आपके हैं, पुंसाम श्लाघ्य तमाम मन्ये दंडमर्हतम अर्पितम यम न माता भ्राता सूरतश्चैव दिशन्ति ही। माता और भाई कभी कभी हमको डांटते हैं, चिमटी देते हैं हमको सुधारने के लिए, इसी तरह आप मेरे जीवन में आकर मुझे मेरे स्वामी भाव को मिटाने के लिए आप आए हो। भगवान मैं सब कुछ आपको सौंपा देता हूँ, मैं अपने आप को भी दे देता हूँ आपको, इस तरह शरण लिया उसने। तब बलि ने बोला कि आपसे जो भी निकलता है प्रेम ही निकलता है भगवान है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में कभी कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी आपको सक्सेस प्राप्त होता है, कभी फेलियर प्राप्त होता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो भी आया है मेरे जीवन में वो भगवान का बेंट है, अगर कुछ नतीजा गलत निकला तो हम अगले बार हम सुधरेंगे, ऐसे हमें सोचना चाहिए। बिकॉज गॉड इज ऑल गुड, नथिंग बैड कैन कम फ्रॉम हिम। हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में छाया नहीं है, सूर्य से बहिर्मुख होकर देखते हैं तब छाया दिखता है। इस तरह से इन गॉड देर इज नो ब्लेमिश, बट यू टर्न अवे फ्रॉम गॉड देर इज ब्लेमिश। इधर देखिए बेस्ट डिसीजन, कृष्ण ऑलवेज मेक्स द बेस्ट डिसीजन वेदर आई कैन अंडरस्टैंड हिज वेज आर नॉट। एक पिताजी थे, अपने बेटे को बोला बेटा
मेरे पास 500 करोड़ का संपत्ति है, तुमको मैं देने वाला हूँ, तुम इकलौता बेटा हो तुम। तो बेटा खुश हुआ। तो बेटा ने, बेटा देखता था कि रोज 5 रुपया देते थे पिताजी पॉकेट मनी। तब एक दिन वो सिगरेट फूंकने के लिए गया, वो तो पिताजी ने पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। तो बेटा बहुत नाराज हो गया। एक हफ्ते बाद बेटा पिताजी को क्रूर आंखों से देख रहा था। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटा ने बोला, 5 रुपये भी नहीं दे रहे हो आप रोज, 500 करोड़ का संपत्ति मेरे नाम में कैसे लिखोगे आप? ऐसे उसने पूछा। पिताजी ने बोला कि 5 रुपये अगर मैं दूंगा तो तुम सिगरेट फूंक फूंक कर मेरे पहले मर जाओगे तुम, मैं 500 करोड़ का संपत्ति कैसे लिख पाऊंगा तुम्हारे नाम में, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बोले वो। इस तरह कभी कभी पिताजी मना करते हैं, कभी कभी देते हैं। इस तरह भगवान भी कभी हमको मना करते हैं, कभी देते हैं। भगवान को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है। राइट साइड पिक्चर में देखिए, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो देना है वो देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे वो। इसी तरह श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो आप लोग दो श्लोक मैं आपको देता हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं गीता में 9.3 नवे अध्याय का 3रा श्लोक और 4थे अध्याय का 40वां श्लोक 4.40 एंड 9.3, ये दो श्लोक पढ़िए आप लोग। प्रभु जी बताते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के श्रद्धालु हैं। तीसरी श्रेणी के श्रद्धा जो है वो कुछ हेतु को लेकर आता है, और हेतु प्राप्त हो गया तो भगवान से निकल जाता है, वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ता हो। लेकिन दूसरे श्रेणी के भक्त होता है, उसको श्रद्धा है कि भगवान में, भक्तों में, शास्त्रों में, वो टिकता है वो। और पहली श्रेणी का भक्त है, वो फर्स्ट क्लास भक्त है, वो कभी नहीं छोड़ेगा भगवान को। प्रभुपाद जी इनके बारे में लिखते हैं वो। तो उस भक्त को श्रद्धा है कि अगर मैं भक्ति करूँगा तो इस दुनिया में दूसरे कुछ चिंता नहीं। इधर पिक्चर में मैंने दिखाया है मृगारी को, नारद ने बोला कि मृगारी तुम धनुष लेकर तुमने अनेक जानवरों को मारा, धनुष को तोड़ दो अभी। तो मृगारी ने पूछा कि धनुष को तोड़ दूंगा, मेरे पाप कृतियों को बंद कर दूंगा तो खाना पीना कैसे होगा मेरा? नारद मुनि बोले कि मैं तुमको सब भेजूंगा, चिंता मत करो, हरिनाम करो सब मिल जाएगा। तो हरिनाम किया, वो गांव के सब लोग आकर उसको धान्य दिए, तरकारी दिए, फल दिए, जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा बढ़कर भरपूर मिला। परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज जब दिल्ली में प्रभुपाद जी ने उनको भेजा था, मैंने सुना कि उनको 12 मंदिर बनाने के लिए बोला। अभी मैंने सुना कि लगभग 15-20 मंदिर बन गए उधर दिल्ली में। और हर मंदिर आप देखेंगे, अभी रोहिणी में एक बड़ा मंदिर बना, अभी आगे जाकर गाजियाबाद में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। और इस तरह दिल्ली में अनेक बड़े बड़े मंदिर आ गए हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इतने बड़े मंदिर कैसे चल रहा है। अगर कोई भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हरिनाम करता है, गीता भागवत पढ़ता है, प्रचार प्रसार करता है तो भगवान सब भेजते हैं उसको। इस तरह वो विश्वास है भक्त को। मैं आगे ये नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, तो 5-10 मिनट के लिए हम प्रश्नोत्तर करते हैं, ठीक है? या हरे कृष्णा, हरि बोल। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बाय हिज ग्रेस रामवत प्रोजी। सो मेनी स्टोरीज, कितने सारी स्टोरीज थी, स्टैटिस्टिक्स थी, वीडियोस थी। एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। तो अभी हम एक या दो क्वेश्चन लेंगे, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। यस, वो खड़े हुए हैं, प्लीज उनके पास माइक लेके जाइए। ब्लू बीट बैग। हाँ यस, तो आज की प्रेजेंटेशन से जो प्रभु जी ने बताया उससे रिलेटेड आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई, युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं सुनाई? हरे कृष्णा। देखिए, भगवान जानते हैं किसको देना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, धर्म श्रेष्ठ हैं धर्म में। युधिष्ठिर महाराज इज मोर ऑन द पैसिव साइड एंड अर्जुना इज भीमा इज मोर ऑन द अग्रेसिव साइड एंड अर्जुना इज असर्टिव। अग्रेसिव में 3 शब्द हैं, अग्रेसिव, पैसिव एंड असर्टिव। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कृष्ण को, 5 गांव देने से मैं शांत हो जाऊंगा, बस
आपको दुनिया नहीं चाहिए। उसके बाद दुर्योधन ने बोला कि सुइंग के ऊपर जितना बैठेगा उतना भी नहीं दूंगा। तभी भी युधिष्ठिर ने बोला ठीक है हम जंगल चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इतने युधिष्ठिर महाराज किसी भी चीज के लिए तैयार थे, वो इतने धार्मिक थे। वो भीम जो था 12 साल का वनवास को भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला कि युधिष्ठिर को बोला अभी हाँ बोलिए आप उंगली हिलाइए मैं तुरंत मार दूंगा इन लोगों को भी, गदा लेकर फट 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 करके सबको मार दूंगा अभी। तो इस तरह एक ओर भीम दूसरी ओर युधिष्ठिर, लेकिन बीच में अर्जुन जो है, अर्जुन इज असर्टिव। असर्टिव का मतलब है यू टेक यूर राइट्स, यू अलाउ मी टू टेक माई राइट्स, आई डोंट चीट यू, यू डोंट चीट मी, ये असर्टिव है, ये कारण है। दूसरा है अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, नर नारायण ऋषि जो आते हैं वही कृष्ण अर्जुन के रूप में आए हैं। कृष्ण अर्जुन के बहुत निकट मित्र हैं, उनको उपदेश दे सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को उपदेश नहीं देंगे कृष्ण, क्योंकि युधिष्ठिर उनसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। कृष्ण उनको दंडवत प्रणाम करते हैं क्योंकि उनकी उनके ममेरा भाई है कृष्ण, इसलिए ही विल नॉट गिव एडवाइस टू युधिष्ठिर महाराज। ओके थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगर दुर्योधन कृष्ण को मांग लेते अपनी सेना के लिए तो महाभारत का रिजल्ट क्या होता? तो महाभारत युद्ध होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भगवान भी शांति दूत बनकर उसी कारण के लिए गए भगवान है। लेकिन दुर्योधन सहमत नहीं था, वो एक पॉइंट। दूसरा है दो तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, मेटेरियलिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट। अभी पांडव लोग स्पिरिचुअलिस्ट थे, उसका मतलब आध्यात्मिकवादी थे, और दुर्योधन मेटेरियलिस्ट था। मेटेरियलिस्ट लोगों का दिमाग ही ऐसे ही काम करता है, वो भगवान को छोड़ देते हैं बाकी सब चीज़ों को पकड़ते हैं वो। और स्पिरिचुअलिस्ट भगवान को पकड़ेगा बाकी चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने घोड़े को लगा दिया गाड़ी के पहले, घोड़े जाते जाते गाड़ी भी आ जाएगा। इस तरह इफ़ यू हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मटेरियल वेलफेयर विल फॉलो ऑटोमेटिकली, आपको चिंता नहीं। लेकिन अगर कोई घोड़े के गाड़ी को पकड़ लिया घोड़े को छोड़ दिया तो मूर्ख है वो, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे रहो, घोड़े के बिना गाड़ी नहीं चलने वाला है। इस तरह दुर्योधन ने गाड़ी को पकड़ लिया लेकिन पांडव ने घोड़े को पकड़ा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिकवादी जो होते हैं पांडव, वो लोगों ने कृष्ण को चुना, दुर्योधन मेटेरियलिस्ट था। आप देखेंगे गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन हर एक योद्धा के बारे में नाम लेता है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य इत्यादि, और दूसरे पक्ष में भी अर्जुन और भीम इत्यादि के बारे में, लेकिन कृष्ण को छोड़ दिया अकाउंट में। क्यों? तो ये तो आयुध उठाने वाला नहीं है, ऐसे ही एक सारथी है बस, इसका नाम लेने से क्या मतलब, ऐसे दुर्योधन ने सोचा। मूर्ख था, और मालूम नहीं था उसको सारे कुरुक्षेत्र युद्ध जो चल रहा है उसको चलाने वाले कृष्ण हैं। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध कराकर धर्म को स्थापन करने वाले, धर्म के पिता, वो समझ नहीं पाए दुर्योधन, क्योंकि वो भौतिक भौतिक दृष्टिकोण था उसका। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, वन आया। यस माय क्वेश्चन इज प्रभु जी दैट इंटेंट कंटेंट प्रेजेंट बीइंग परफेक्ट, फर्स्ट इज व्हाई डू नॉट ऑल पीपल व्हेन वी प्रीच दे एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड सेकंड even after accepting why do people leave krishna consciousness if our courage of conviction of preacher is perfect? सर्वप्रथम लोग कृष्ण भावामृत को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया रावण और हनुमान का उदाहरण दिखाया मैंने, अभी रावण के अंदर भोग वृत्ति है, तो भोग वृत्ति को मिटाकर सेवा वृत्ति को जगाना चाहिए, काम को मिटाकर प्रेम को जगाना चाहिए। लेकिन ये करने के लिए हमारी स्वेच्छा को इस्तेमाल करके हम लोग सही चॉइस को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि प्रेम जो होता है उसमें फ्रीडम भी होता है, फ्री विल। अगर कोई लड़का है किसी लड़की को विवाह करना चाहता है, वो लड़की चाहती नहीं, अगर वो सीधे पिताजी के पास पहुंच जाता है, बोलता है कि आपके बेटी से विवाह करना है, फोर्स करके विवाह करता है, क्या वो खुश रह पाएगा? वो खुश नहीं रह पाएगा वो। इसी तरह भगवान और जीव के बीच में अभी थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि जीव मूर्ख होकर बहिर्मुख हो गया वो, इसलिए जब तक वो थोड़ा लात का कर उसको अकल नहीं आएगा, उसको बुद्धिमता नहीं आएगा, तो मुड़ने वाला नहीं है वो भक्ति में। कुछ कुछ लोगों को बोलते हैं ना लातों का भूत बातों से मानता नहीं, हम उपदेश देने से सुधरता नहीं, उसको थोड़ा लात चाहिए और तब सुधरेंगे वो। लेकिन बुद्धिमान लोग जो है सुनने से जग जाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग दूसरों को देख कर जग जाते हैं कुछ लोग,
तीसरे लोग अनुभव करके सीख जाते हैं और कुछ मूर्ख लोग अनुभव होने के बाद भी सीखते नहीं, बहुत बार लात खाते हैं। जैसे एक व्यक्ति तीसरे माले में चढ़ गया, कूद गया ऊपर से नीचे, नहीं कूदने वाला था, किसी ने बोला कि अरे कूदोगे तो टांग टूट जाएगा, तो मान लिया वो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं टांग कैसे टूटेगा, अगर कोई कूद कर टांग टूट गया उसको देख कर सीखेंगे वो। तीसरा वाला खुद ही कूद कर टांग टूट देगा, उसका तोड़ने के बाद सीख लेगा वो। चौथा वाला टांग टूटने के बाद भी उसका रिपेयर करने के बाद वापस ऊपर चढ़ेगा वो। आप पूछो उसको, अरे दूसरी बार कूदने वाले हो, बोलेगा अभी दूसरे एंगल से हम कूदेंगे, हम पहले ऐसे कूदा हम अभी ऐसे कूदेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह कुछ लोग सुधरने के लिए टाइम लगता है जीव को, ये पहली बात है। अल्टीमेटली फ्री विल इज योर चॉइस, नोबडी कैन कंट्रोल इट। भगवान भी आपके फ्री विल के में पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं आपको, यथेच्छसि तथा कुरु भगवान बोलते हैं। और भक्ति में आने के बाद लोग क्यों छोड़ते हैं, देखिए अगर आप लोग आए हो भक्ति में, अभी अगर आप भक्ति में टिके रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को मन में याद रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम श्रवण और कीर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गीता भागवत प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर उस दिव्य ज्ञान को हासिल करना। जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे इस दुनिया के दुनियादारी चीज़ हमको चीन इस भक्ति मार्ग से दूर लेके जाएंगे हमको। इसलिए एवरीडे रीडिंग एटलीस्ट वन आर टू पेजेस ऑफ प्रभुपाद बुक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक वाटरिंग द डिवोशनल क्रीपर, ये भक्ति की भक्ति लता जो है उसको पानी सिंचन करने के बराबर है, रोज पढ़ना चाहिए। दूसरा हरिनाम, जो भी आप माला करते हो, अगर कोई दो माला करे तो चार माला कीजिए आप, कोई चार कर रहे हैं तो आठ माला कीजिए। हरिनाम जप करने से चित्त शुद्ध होता है, हृदय पिघलता है, तब आपको आध्यात्मिक जीवन में रुचि मिलना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, तो हम लोग स्थिर हो जाएंगे। कुछ लोग माला छोड़ देते हैं, इधर मीटिंग में आते समय सबके साथ माला करते हैं तो घर जाने के बाद छोड़ देते हैं माला। माला रेगुलर करना, प्रभुपाद किताबों को पढ़ना, माया से दूर रहना। आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें पैरेंटल कंट्रोल रखिए ताकि आप गलत वेबसाइट्स में नहीं पहुंचेंगे, आप उसके लिए सुविधा नहीं होगा आपके फ़ोन में। कीप पैरेंटल कंट्रोल। और अच्छा आदतों को, बुरे आदतों को छोड़िए, अवैध संग, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा लेना इत्यादि को पूरा बंद कर दीजिए। ऐसे मित्रों के निकट कभी मत जाइए। ये बंदर जो होता है वो मगरमच्छ के साथ मैत्री कभी नहीं जोड़ना चाहिए, मगरमच्छ बंदर बंदरों के साथ ये रिश्ता होना चाहिए, मगरमच्छों को मगरमच्छों के साथ। इस तरह दोनों अलग अलग जाति के हैं। इस तरह इफ यू वांट टू बी डिवोटी कीप इन टच विद डिवोटीज, डोंट गेट इन टच विद नॉन डिवोटी। नॉन डिवोटी बी बिजनेस लाइक, उनके साथ बिजनेस लाइक रहना, हाय गुड मॉर्निंग हाउ इज एवरीथिंग दैट्स ऑल। निकट नहीं जाने का उनके पास, निकट संबंध भक्तों के साथ रखना चाहिए। कीप एसोसिएशन विद डिवोटीज, रीड प्रभुपाद बुक्स, चैंट द होली नेम, कीप अवे फ्रॉम टेम्प्टिंग एनवायरनमेंट्स, एन ऑनेस्ट अवॉइडेंस ऑफ अपोजिट सेक्स। खास करके आजकल अवैध संग बहुत हो रहा है, अबॉर्शन भी बहुत बढ़ गया है, ये महापाप है। इस महापाप से बचना है तो हम लोग वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम अपोजिट सेक्स ऑनेस्टली। इसका मतलब नहीं कि आप विवाह नहीं कर सकते हैं, सही वयस में विवाह कीजिए, लेकिन स्त्रियों को माता के रूप में देखिए और सही ढंग से। तो ये सब करने से यू कैन रिमेन विद डिवोटीज। और महत्वपूर्ण चीज़ है, भक्तों के साथ झगड़ा मत कीजिए कभी भी अहंकार के स्तर पर, क्योंकि झगड़ा करने से अपराध बढ़ता है, अपराध बढ़ने से भक्तों के संग को हम छोड़कर चले जाते हैं। तो टॉलरेट द लिटिल प्रॉब्लम्स विच कम इन योर डिवोशनल सर्विस, स्टे विद डिवोटीज। These are some simple tips which you can apply in your life, and we can develop our courage and conviction develops when we contemplatively study the purports, read the purport, understand how is it applicable to my life and others' life, think about it very deeply. So now we also have other programs lined up after this, correct na? Yes, Prabhuji. Yeah. Oh, Prabhuji, ek bahut important change ki aajkal ke yuva पूछते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने आरपीएफ लगा रखा है, रेलवे पुलिस फोर्स, तो हमारी लाइफ में भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ आरपीएफ रहते हैं। रिलेटिव पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यशोदा मैया तो कृष्ण के पीछे भागी और फिर उनको बांधने का भी प्रयास किया, हमारे मम्मी पापा हमारे पीछे नहीं भागते, विप्लव में आने बड़ा दिक्कत हुआ, वो तो हमारा स्मार्टफोन रख लेते हैं, हमारे पीछे भी नहीं भागते हैं, कैसे उनसे डील करें? शॉर्ट में प्रोड्यूस।
एक्चुअली माता पिता जो हैं वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो इच्छा करते हैं कि मेरे बेटे भगवान के पीछे इतना भाग ना जाए कि उनकी पढ़ाई में कुछ गठन हो और उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। कल आजकल बहुत बड़ा स्पर्धा का दुनिया है, तो माता पिता का चिंता है बहुत, वही एक चिंता है। इसलिए मैं आप सबको विनती करूंगा कि आप लोग पढ़ाई भी अच्छा करो, अच्छा मार्क लाओ, अच्छा रैंक लाओ, अच्छा नौकरी में फिक्सअप हो जाओ, तो माता पिता को आपके ऊपर थोड़ा विश्वास बढ़ेगा कि मेरे बेटा जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। माँ मनुस्मर युद्ध है, भगवान बोलते हैं दोनों को समान इक्वल वेटेज दो, गिव इक्वल वेटेज टू स्पिरिचुअल लाइफ एंड योर मेटेरियल ड्यूटीज, अर्जुन को बोला भगवान ने। और दूसरा चीज है, कुछ कुछ माता पिता भारत में डरते हैं कि मेरा बेटा साधु न बन जाए, वो भी दूसरा डर है। आप बोल सकते हैं कि अर्जुन जो है पूरा गीता सुनने के बाद वो सेवा करके ब्रह्मचारी नहीं बना हो। कल आप लोगों ने सुना विवेक बिंद्रा जी से, उन्होंने आश्रम में जाकर ट्रेनिंग भी लिया है, उन्होंने 6 महीना 1 साल के लिए, उसके बाद प्रभु जी बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ा बिजनेस चाल किया उन्होंने। तो आप देखेंगे इस्कॉन में लगभग 0.01% ब्रह्मचारी हैं, 91% और छोटा परसेंट साधु लोग हैं, 99.9% गृहस्थ लोग हैं। आप माता पिता को मंदिर में लेके जाइए, जब परम पूज्य गोपक्ष महाराज क्लास देते हैं दिल्ली में NCR में, इतने गृहस्थ लोग आते हैं, आपके माता पिता को देखना चाहिए, उनको देखने के बाद उनको विश्वास आ जाएगा कि अरे सबके सब गृहस्थ ही हैं, ब्रह्मचारी थोड़े इधर उधर है, थोड़े बहुत ऐसे। तो दे लेट देम डेवलप कॉन्फिडेंस, यही प्रॉब्लम है। हमारी विद्यार्थी अनेक लोग बोलते हैं कि भक्ति में इतना रुचि चढ़ गया हमको कि हम अभी कॉलेज की किताब नहीं पढ़ेंगे हम, ये इसके कारण माता पिता डरते हैं। तो और अगर कोई पिता नास्तिक भी क्यों ना हो हिरण्यकश्यप जैसे, फिर भी प्रहलाद की भक्ति में गठन नहीं आया, करेक्ट है ना। मेरे गुरु महाराज ने एक बार पूछा एक भक्त को, एक भक्त बोल रहा था महाराज जी मेरे माता पिता भक्ति करने के लिए छोड़ नहीं रहे इसलिए मैंने माला छोड़ दिया, बोला उसने। महाराज बोले कि क्या तुम्हारे माता पिता एक सुई लेकर तुमको मारते हैं क्या? वो बोला महाराज वो तो प्रेम करते हैं, हमको कैसे मारेंगे। महाराज बोले एक भाला लेकर प्रहलाद को लोगों ने प्रहार किया, और महाराज पूछ रहे थे तुमको दूसरे माले से नीचे फेंकते हैं क्या माता पिता? वो लड़का बोला कैसे फेंकेंगे, वो प्रहलाद को ऊपर बहुत बड़े पहाड़ से फेंकने लगे नीचे। तो महाराज इस तरह बोले कि इतनी तकलीफ के बीच में भी वो भक्ति नहीं छोड़ा हो, तो प्रहलाद से हमें सीखना चाहिए भक्ति में गंभीर रहने के लिए, ऐसे सत्य पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। रिटर्न माई ईमेल, एनीबडी वांट्स टू राइट यू राइट, बट यू विल नॉट गेट एन आंसर इन 2 weeks, डोंट एक्सपेक्ट रिप्लाई इमीडिएटली, आई कैन रिप्लाई इन अबाउट 1 or 2 weeks, आई विल रिप्लाई, अदरवाइज आई विल फॉरवर्ड इट टू सुंदर गोपाल प्रभु। If too many mails come, I'll forward them. Shri Prabhupada ki. हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे His Grace राधे श्याम प्रभु जी का इतना सुंदर प्रेजेंटेशन और इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हरि बोल। और मैं आमंत्रित करूंगा His Grace रामभद्र प्रभु जी को कि स्टेज पर आए, प्रभु जी का अभिनंदन करें। Keep clapping. तो प्रभु जी ने हमें बताया कि कैसे हमें इनर और एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल से लड़ना चाहिए, हमारे अंदर और बाहर भी समस्याएं हैं पर हमें डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन के साथ लड़ना चाहिए। बहुत सुंदर वीडियो दिखाया, तो डिटर्मिनेशन के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। हरि बोल। अभी होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिवाइन हैंड्स ऑफ हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी एंड हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी। सो नंबर वन, अवार्ड नंबर वन फॉर टुडे डे 3 गोज टू, इट्स एन एक्सीलेंसी अवार्ड, एक्सीलेंसी इन प्रोफेशन, एंड दिस एक्सीलेंसी इन प्रोफेशन, दिस अवार्ड गोज टू उमंग पांड्या प्रभु फ्रॉम अहमदाबाद। हरि बोल। उमंग प्रभु प्लीज गो फास्ट। उमंग प्रभु इज अंडर द फैसिलिटेशन ऑफ जयतीर चरण प्रभु, ही इज अ सिविल इंजीनियर एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम LD कॉलेज, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ही इज करेंटली डूइंग जॉब इन बायजूस, ही गॉट दिस जॉब ऑफ कैंपस फ्रॉम कॉलेज
and which has highest among his department. Thank you so much, Umang Prabhu, for your kind service. Next award goes to for the Best Singer Award. And the Best Singer Award goes to Mukul Prabhu from Ghaziabad. His facilitator. His facilitator is Kanu Mohan Prabhu. Mukul Prabhu is a professional Indian classical singer and vocalist. He is also a professional guitarist. Composer. Right now he is leading IVF Ghaziabad rock band Golokas with 5 musicians. He and his team performs in all festivals and ceremonies. More than 20 festivals he has performed till now. Next award goes for Best Book Distribution Award. And Best Book Distribution Award goes to Raju Kumar Prabhu from Aurangabad. He is a leading book distributor in all festivals and Harinam. He distributed 150 Bhagavad Gita, 100 Ramayan and small books, 200 till now. And his facilitator is Abhishek Kumar Prabhu. Next award is an Excellency Award. And this Excellency Award is from LD College, Ahmedabad. And this award goes to Sahil Vadhukar Prabhu. Sahil Prabhu, he's very expert in inventory and setup seva. He can do setup for classes anywhere you say in very little time. He takes very little time while setup. He can manage big camps, inventories very easily. Thank you, Sahil Prabhu, for your kind service. Next award is an Excellency Award. And this award goes to Ajay Prabhu from Muradabad. Hari Bol. Ajay Prabhu is from Muradabad. His facilitator is Samarpit Gaur Prabhu. And he is IVF devotee studying, still managing big responsible services in all the festivals, doing management services, weekly Sunday classes, youth classes, congregation classes, helping in youth preaching, also acting as a frontliner, giving both time and energy. Thank you so much, Ajay Prabhu, for your kind service. Next award is for Best DT Service Award. Bhagwan ki seva ke liye award ja raha hai. And this award goes to Devoji De Prabhu from Delhi Temple Preaching. Haribo. Kanish Prabhu ko bahut hi heavy dengue ho gaya tha. He was admitted in hospital AIMS. Just yesterday he got released. So unke behalf par Kanish Prabhu ye award le rahe hain. Devojit Prabhu is a very nice DT service. He leads very nice DT service in base. He is a very good in worship and offering prayers. And he also does very nice decoration. Next award is for Excellency Award. And this Excellency Award is from area Meerut. And this award goes to Rajat Prabhu from Meerut. Hari Bol. And Rajat Prabhu ke facilitator hai Charu Govind Prabhu. Rajat Prabhu is expert in playing harmonium and mridanga. He teaches harmonium to other devotees also. He is serving as a PO. Yes. Next award is an Excellency Award. And this award from Gurugram. And this award goes to Aditya Prabhu from Gurugram. Hari Bol. Aditya Prabhu is an alumni of LPU, lovely professional university. Now he is currently doing his job as a software engineer and he has done well in his studies as well. Now he is doing very good in his job and he's also taking care of all the preaching programs in lovely professional university. Arnav Prabhu, jahan bhi ho Ludhiana se, Arnav Prabhu, are you here? Yeah. So next award, Excellency Award goes to Arnav Prabhu from Ludhiana. Hari Bol, music. Yes, Arnav Prabhu is from Ludhiana. His facilitator is Ashray Giraj Prabhu. He is the best mridanga player
for all Harinam Sankirtan, house programs, temple programs, IVF camps and festival. Thank you so much, Arna Prabhu, for your nice and kind service. Everyone, please have a huge round of applause for all these devotees. Thank you so much, all the dignitaries, for coming on the stage. Thank you. Thank you, Professor Lallan. Thank you, Professor Divakar. Thank you so much.